दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पीछे ये जूलॉजिकल पार्क है जयपुर का। ये पहले अल्बर्ट हॉल के पास था, वहाँ पे जगह कम पड़ रही थी तो राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको यहाँ पे शिफ्ट कराया। ये पहाड़ों के बीच में, ये जयपुर शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और इसमें 300 से ज़्यादा स्पीशीज बर्ड की पाई जाती है। यहाँ पे बंगाल टाइगर भी है वाइट और काफ़ी सारे जानवर हैं, तो मैं आगे आपको बताऊँगा क्या क्या है। 4 जून 2016 को ये खोला गया था लोगों के लिए, तब से ये मतलब काफ़ी भीड़ है, आज भी देख सकते हो आप। इसका टिकट के प्राइस 50 रुपीज़ है इंडियन और फॉरेन के लिए 150 रुपीज़ है। बाकी मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ है, बने रहिएगा वीडियो के साथ। ये देखिएगा इतना खूबसूरत बना रखा है दोस्तों। आज थोड़ी धूप में ज़्यादा तेज़ी है, वैसे सर्दियों का मौसम है पर आज अब शायद सुबह शाम की सर्दियाँ रहेगी है। बस ये पार्किंग का है, यहाँ पे ये टिकट विंडो है, यहाँ से आप टिकट लिए। और ये जंगल सफारी की वैन है पूरी, यहाँ पे जंगल सफारी भी होती है। ये इसका मेन एंट्रेंस है, इस एंट्रेंस से 1 किलोमीटर आगे जाना है अपन को, वहाँ पे अपन को अपनी गाड़ी खड़ी करनी है, तो उसके बाद वहाँ से स्टार्ट होगा। 5 किलोमीटर का पूरा है ये, देखिए आप। तो गाइस अपन अंदर आ चुके हैं, ये यहाँ पे इन्होंने ये पार्किंग बना रखी है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये बाइक की है और ये कार पार्किंग है। 1.5 किलोमीटर अंदर आने के बाद भी इन्होंने पार्किंग बना रखी है और यहाँ से अपन को थोड़ा 500 मीटर और चलना पड़ेगा, मतलब कितना चलना पड़ेगा, धूप भी बहुत हो रही है। चलो चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। दोस्तों अपन फाइनली अंदर पहुँच चुके हैं, इतना चलना पड़ा है ना, मतलब काफ़ी अंदर इन्होंने लोगों ने बना रखा है। एक बार आप अंदर आ जाएंगे 1.5 किलोमीटर चलने के बाद 500 मीटर और चलना पड़ेगा आपको, फिर आप यहाँ पे पहुँचेंगे। ये एंट्रेंस गेट है इसका मेन, अपन मेन एंट्रेंस गेट के अंदर पहुँच चुके हैं। और कुछ ऐसा है ये जोवेर भी आपको दिखाना एक बार। और ये इसका गाइड है, गाइड मैप बना रखा है इन्होंने। बाकी आगे आइए एक बार, आप और चीज़ें दिखाता हूँ आपको। यहाँ से आप आ रहे हैं तो ये दो रास्ते मिलेंगे आपको, एक इस साइड का एक इधर का। अगर आप इधर से जाते हैं तो इधर से एग्जिट होएंगे, अगर इधर से जाएंगे तो आप इधर से एग्जिट होएंगे। तो मैंने और जोहर भाई ने ये तय करा है हम इस साइड चलते हैं, इस साइड से पूरा एक राउंड लेते आते हैं। जो जो चीज़ें बीच में आती रहेंगी वो आपको दिखाता रहूँगा मैं, बने रहिए आप मेरे साथ। सारे जानवर यहाँ पे जो जो हैं उनके बारे में एरो दे रखी इन्होंने, कौन सा किधर है, कुछ इस तरीके से बना रखा है। दोस्तों सर्दियों का मौसम चल रहा है पर धूप आज कुछ ज्यादा ही है, पर फिर भी पब्लिक कम नहीं है, आज पब्लिक भी ज्यादा ही है। देखिए कुछ अंदर से ऐसा ही, अगर हम ये जयपुर आ रहे हैं तो एक बार आप जूलॉजिकल पार्क जरूर विजिट करिए। देखिए कितनी यहाँ पे भीड़ लग रही है टाइगर को देखने के लिए। देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो, लेट गया अभी वो। देखें हम फिर शेर है और ये आराम फरमा रहे हैं। तो चारों तरफ पहाड़ है इसके, ये थोड़ा बैठने का यहाँ पे गार्डन बना रखा है। पहले ये अल्बर्ट हॉल जो है वहाँ पे था, नेक्स्ट वीडियो में अगर मेरा अल्बर्ट हॉल जाना हुआ तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा।
ये है भालू, जो भी आलू दिख रहा मुझे तो कोई भालू ही है। भालू ये इधर देखिए, बड़े गंदे हो रहे हैं। कोई नहीं, अपन आगे चलते हैं, आप बने रहिए। यहाँ पर आर्टिफिशियल तालाब बना रखे हैं लोगों ने, काफी सारी चीजें ले रही हैं। यहाँ पे ऐसा इन्होंने बना रखा है, कुछ ऐसा सीन है यहाँ का। काफी पब्लिक आई हुई है, क्रोकोडाइल आपको दिख रहा होगा। ये घड़ियाल है भाई, मेरे को आई थिंक मुझे लगता है यहां पे दो चार्ज भी है कि जिस तरह से ये बिल्कुल ये लगता है कि आप बोल रहे हो। ये एलिगेटर है, बिल्कुल 2 किलो की स्पीड से आ रहा है। आगे चलते हैं, अपन आगे देखते हैं और क्या है। काफी पब्लिक आई हुई है यहां पे। अगर आप अपनी फैमिली के साथ जयपुर विजिट कर रहे हैं तो एक बार आप जरूर जूलॉजिकल पार्क जरूर आइए। बच्चों के लिए खासतौर से बहुत अच्छा है, एक उनके लिए पिकनिक ट्रिप हो जाएगी एक तरीके से, और बहुत अच्छा है।
खेल रहे हैं आज। तो दोस्तों अपन मैंने आपको पूरा ये जू दिखा दिया है, जूलॉजिकल गार्डन पूरा मैंने कवर कर दिया है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।